सो ये व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक इन द ब्रांड न्यू वीडियो। सो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि गाइस यार अगर आप लोगों को जो है फ्री फायर मैक्स या फिर फ्री फायर में इन गेम में मतलब कि यार डेली जो है मतलब आप लोगों का जो एक्सपेंशन पैक है ना वो डिलीट हो जाता है, इसके रिलेटेड मतलब डिलीट होने की प्रॉब्लम आ रही है। सो आज की इस वीडियो में तुम लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इसका पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ कि क्यों होता है डिलीट और आप लोगों को मतलब इसको ठीक करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जल्दी से जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को जो 110% जो है आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम है ना ये जो है सॉल्व हो जाएगा। सो यार सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आप लोगों का एक्सपेंशन पैक है ना ये डिलीट क्यों होता है। सो यार देखो मतलब अगर आप लोगों का फोन जो है वो लो एंड डिवाइस है ना मतलब कि एवरेज डिवाइस है, सो यार आप लोगों का फोन में अभी मतलब यार जो न्यू फोन आ रहे हैं वैसे तो कभी मतलब कुछ कुछ पुराने फोन में भी ये सेटिंग होता है कि मतलब जब आप लोगों का फोन हाई परफॉर्मेंस दे रहा होता है ना मतलब कि कोई भी गेम या कोई भी चीज़ हाई मतलब एकदम हाई एंड चल रही हो रही है मतलब आप लोगों के फोन का जो है प्रोसेसर एकदम पूरा अपना 110% दे रहा होता है ना, तब जो है आप लोगों का फोन एक्स्ट्रा जो डेटा होता है ना अननेसेसरी डेटा उसको डिलीट कर देता है ताकि आप लोगों को जो है फोन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए, मतलब कि इन गेम में कोई भी लैग इशू या फिर हैंग वगैरह कुछ भी जो है आप लोगों के गेम ना हो, इसलिए जो है वो अननेसेसरी यानी कि एक्स्ट्रा डेटा जो है ना उसको रिमूव कर देता है ताकि आप लोगों की जो गेम है ना वो एकदम स्मूथली रन करे। सो यार इसलिए आप लोगों का जो है एक्सपेंशन पैक डेली डिलीट हो जाता है। सो अभी बात करते हैं इसका सोल्यूशन की। सो यार देखो मैं सभी फोन के डिवाइसेस की जो है सोल्यूशन बताने वाला हूँ। सो यार सैमसंग की जो सेटिंग होती है ना वो थोड़ी अलग है, सो बाकी फोन की भी मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग के लिए। सो यार देखो सैमसंग के सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग में जाना है, उसके बाद में आप लोगों को थोड़ा स्क्रॉल करके स्टोरेज के ऑप्शन में जाना है। स्टोरेज के ऑप्शन में जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना तो वहाँ पर लिखा होगा ऑटो डिलीट अननेसेसरी डेटा, ये आप लोगों का ऑन होगा जिसकी वजह से आप लोगों का एक्सपेंशन पैक डेली डिलीट हो जाता है। सो उसको ऑफ कर देना, और अगर ये पहले से ही ऑफ है सो आप लोगों को जो है क्या करना है वो मैं आगे आप लोगों को जो है बताऊंगा। सो अगर आप लोगों को जो है ऑटो डिलीट अननेसेसरी डेटा का मतलब जो ऑप्शन है वो नहीं मिला ना तो तुम लोग जो है ऊपर सेटिंग को ओपन करके ऊपर सर्च बार में भी सर्च कर सकते हो ऑटो डिलीट अननेसेसरी डेटा, ऐसे लिखोगे ना तो आप लोगों के सामने जो है ऊपर में आ जाएगा। सो अभी बात करते हैं बाकी डिवाइसेज की, जैसे ओप्पो वीवो रियलमी टेक्नो इन्फिनिक्स माइक्रोमैक्स एक्सेट्रा। वैसे माइक्रोमैक्स मतलब कोई यूज़ नहीं करता लेकिन फिर भी उसकी भी सेटिंग मतलब यही है सेम है। सो आप लोगों को सबसे पहले सेटिंग में जाना है, उसके बाद में स्क्रॉल करके स्टोरेज में, और स्टोरेज में जाने के बाद आप लोगों को एक लो स्टोरेज मैनेजमेंट ऐसे करके एक सेटिंग मिलेगी, इसके रिलेटेड ही और कोई भी सेटिंग हो सकती लेकिन ऐसे ही रिलेटेड होगी। सो वो ऑन होगा उसको ऑफ कर देना, ध्यान से रखना वो ऑन होगा तो उसको ऑफ ही कर देना। सो अभी बात करते हैं सेकंड मतलब कि यार सेकंड सॉल्यूशन की। सो आप लोगों के फोन में फोन मास्टर या क्लीन मास्टर कोई भी क्लीनिंग ऐप होगी ना उसके अंदर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट क्लीनअप का, जिसकी वजह से आप लोगों का फोन जो है वो एक्स्ट्रा डेटा को क्लियर कर देता है और फोन एकदम क्लीनअप हो जाता है जिससे कि फोन आप लोगों का स्मूथली रन करता है। सो उस ऑप्शन को जो है आप लोगों को ऑफ कर देना, अगर पहले से ऑफ है तो अच्छी बात है। सो अभी बात करते हैं सभी फोन की एक लास्ट जो है सॉल्यूशन की। सो आप लोगों सबसे फ्री फायर मैक्स को मतलब है ना वहाँ पर बैक आना है, मतलब पूरे होम स्क्रीन पे आना है, उसके बाद में फ्री फायर मैक्स जो है ना उसको मतलब दबा कर रखना, टैप करके रखना, ऐप इन्फो में जाना है, उसके बाद में परमिशन में जाना है। परमिशन में जाओगे ना तो वहाँ पर एक लिखा होगा रिमूव परमिशन एंड फ्री अप स्पेस, ऐसा होगा, नहीं तो फिर लिखा होगा रिमूव परमिशन इफ़ ऐप इज़ नॉट यूज्ड, मतलब ऐप जब यूज़ नहीं होती तब जो है इसकी परमिशन रिमूव कर दो। सो वो जो है ऑन होगा उसको जो है ऑफ़ कर देना, ठीक है गाइस। ऐसा जो है रिमूव परमिशन इफ ऐप इज़ नॉट यूज्ड ये ऑन होगा, इसको ऑफ कर देना, अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर देना, यही करना आपका जैसा भी है ना इसके उलट करना है, मतलब ऑन है ऑफ कर दो, ऑफ है ऑन कर दो, इससे आप लोगों को जो है परमिशन मतलब सब कुछ वगैरह ठीक हो जाएगा और आप लोगों को जो है डेली डाटा एक्सपेंशन पैक डिलीट की जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इस सब के करने के बाद भी आ रही है सो लास्ट ऑप्शन है कि आप लोगों को ऐप इन्फो में जाना है फ्री फायर मैक्स या फिर फ्री फायर के, वहाँ पर एक परमिशन में जाके स्टोरेज का ऑप्शन होगा उसको रिमूव कर देना। जी हाँ गाइस वैसे मतलब वो ऑन ही होता है फोन में, उसको रिमूव कर देना, अगर रिमूव है पहले से तो ठीक है। अभी बात करते हैं एक लास्ट और रामबाण इलाज की, जो है कि फ्री फायर मैक्स को डिलीट करो, उसके बाद पूरी उसकी फाइल्स को डिलीट करो, फोन को रीसेट करो, फिर से मतलब कि फ्री फायर मैक्स या फ्री फायर को डाउनलोड करो, उसके बाद आप लोगों को जो है 200% आप लोगों को जो है फ्री फायर एक्सपेंशन पैक और डिलीट की प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। सो अगर तो तुम लोग इस वीडियो में इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन मिलेगा, मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है ना उसको दबा दो, मेरे भाई पास में जो लाइक देना है उसको दबा कर सेट कर देना। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जो सबसे पहले के लिए मैं आप लोगों जो है ऐसी प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन वीडियो में देता रहता हूं, तो भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मन करे। सो तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इसके रिलेटेड कोई भी यार मतलब क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो मेरे को इंस्टा पे मतलब यार मैसेज कर सकते हो, बाकी इंस्टा पे फॉलो कर देना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।